आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेमिना कैसे इंक्रीज करते हैं। अगर आपको कभी भी दौड़ना है तो कभी भी खा कर नहीं दौड़ें। अगर आप खा कर दौड़ेंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, थकान महसूस होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दौड़ना ही है तो एक घंटे पहले खा कर दौड़िए, फिर आप देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। दौड़ते समय कभी भी बीच में नहीं रुकना चाहिए। अगर आप बीच में रुकेंगे तो आपको ज़्यादा दूरी दिखाई देगी और थकान महसूस होगी। आप सोचेंगे कि अब मैं रुक गया हूँ, थोड़ा और रुक लेता हूँ। उसके बाद आप दौड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी नहीं दौड़ा जाएगा, इसलिए कभी भी बीच में रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए आपको ज़रूरी बात दिमाग में रखनी है, बीच में रुकना नहीं है, दौड़ते ही जाना है। तीसरा पॉइंट, दौड़ते समय भी मुँह से सांस नहीं लेना चाहिए। अगर हम मुँह से सांस लेंगे तो आपका गला सूख जाएगा, आपको थकान महसूस होगी, प्यास लगेगी और आप दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको नाक से सांस लेना है। आपको ये बात जरूरी ध्यान रखना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से नहीं। अगर हम मुंह खोलेंगे प्यास लगेगी, थकान महसूस जरूर होगी, इसीलिए नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना ऑटोमेटिक आपको बढ़ गया। थोड़ा दौड़ते समय दूरी नहीं देखें। अगर आप दूरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे और दौड़ना है और प्रयास करना है, इससे आप दौड़ नहीं पाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये सोचेंगे। लेकिन अगर आप ये ना देखें कि दूरी कितनी है, कितना दौड़ना है, लगातार दौड़ते रहेंगे तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा ज़्यादा दूरी भी तय कर पाएंगे।